बहुचर्चित ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ पर रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को जिला जज वाराणसी द्वारा 31 जनवरी को दिए गए आदेश से पहले 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने का निर्देश दिया है। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से अब मामले में अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को वाराणसी कोर्ट द्वारा डीएम वाराणसी को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश को चुनौती देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यूपी के एडवोकेट जनरल को वाराणसी के जिला प्रशासन से बातचीत कर कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी जरूरी निर्देश दिया है। तहखाने में पूजे की अनुमति मिली है उसके खिलाफ आज मुस्लिम पक्ष यहाँ पर पहुँचा था, क्या कुछ कोर्ट में सुनवाई हुई है और क्या कुछ आदेश कोर्ट ने पारित किया है? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने आज जो है माननीय उच्च न्यायालय में 31 जनवरी 2024 को माननीय जिला न्यायाधीश बनारस ने जो आदेश पारित किया था कि पूजा पाठ के लिए जो हमारे पट हैं उसको खोले जाएं और वहाँ पे पूजा पाठ शुरू भी हो गई थी, उसको लेकर उन्होंने उस ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पे अपील की थी, जिसका कि हम लोगों ने विरोध किया और हमने कहा कि जो उसका बेसिक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर से वो ऑर्डर पनपा है, हमारी जो ऑर्डर 40 Rule 1 की जो एप्लीकेशन थी वो 17/1/2024 का ऑर्डर था, जिसको कि उन्होंने मूल ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया ही नहीं और बिना मूल ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हमारी एप्लीकेशन को उन्होंने चैलेंज कर दिया। थोड़ा सा उस ऑर्डर के बारे में बताएं, क्या था उसमें? उस ऑर्डर में एक रिसीवर का अपॉइंटमेंट हुआ था, हमने एक कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन डाली थी कि एक रिसीवर अपॉइंट किया जाए ताकि उस प्रॉपर्टी को हम वहाँ पर प्रोक्योर कर सकें, उसको संयुक्त कर सकें, उनको बचा प्रिजर्व कर सकें सर। इसके लिए कोर्ट ने 17 जनवरी को एक आदेश पारित किया था और सब्सिक्वेंटली हमारी एक एप्लीकेशन और थी कि हमें पूजा पाठ करने की वहाँ अनुमति दी जाए, जिसके लिए कोर्ट ने आदेश पारित किया 31/1/2024 को। अब क्या स्टैंड रहेगा आगे? अब सर 6 तारीख को उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ पे डेट लगा दी है और ये बोला है उनको कि अपनी जो अपील है उसको वो अमेंड करें और 31/1/2024 की जगह जो 17/1/2024 का ऑर्डर है उसको वह चैलेंज करा। इस दरमियान वहाँ पर रूल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो एडवोकेट जनरल थे वो वहाँ पे अवेलेबल थे और उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बखूबी उसको निभाया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जा रहा है और ऐसी कोई भी वहाँ पे सिचुएशन नहीं पैदा हो रही जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। कोर्ट ने भी इसको लेकर के कोई निर्देश जारी किया? कोर्ट ने यही कहा है कि आप ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे बरकरार रखें, मेंटेन रखें सर। राइट, बस इतना ही हुआ सर आज। और 6 तारीख को सर अगली डेट है इसकी, शौर्य कृष्ण। दरअसल ज्ञानव्यापी परिसर स्थित तहखाने में व्यास जी के परिवार को पूजा अर्चना करने का आदेश जिला जज वाराणसी ने दिया है। मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दी थी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।